नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमारी टीम बाजार के ऑटो स्टैंड पहुंचे। वहां पर ऑटो यूनियन और ऑटो चालक दोनों ही मौजूद थे और उनके द्वारा धरना किया गया था। उन्होंने हमें जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा एक प्रेस न्यूज भेजा गया था। उनके साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी थे जो ऑटो चालकों के समर्थन में आगे आए थे। उनमें से एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बाकी के दोनों आरजेडी के थे। ऑटो चालकों का कहना है कि वे अंडमान और निकोबार के प्रशासन से तंग आ चुके हैं, जैसे आरटीओ से, एसटीए से और ट्रैफिक पुलिस वालों से। ऑटो चालकों का यह भी कहना था कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के काले कानून के चलते उन्होंने आज ऑटो नहीं चलाने का निर्णय लिया था। उन्होंने 5 मुद्दों की मांग की है अंडमान प्रशासन से, यह कहते हुए कि हमारे देश के अंदर कानून सब एक है और सभी को एक जैसा कानून ही लागू करे। आइए देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा। नमस्कार, न्यूज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए ऑटो स्टैंड के यहाँ पर, SBI बैंक के जस्ट अपोजिट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड है। ये सब ऑटो यूनियन और ऑटो चालक यहाँ पर सब आज पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और इनकी मांग ये है, और इन्होंने हमें जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा एक प्रेस रिलीज दिया था। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त पेपर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑल ऑटो यूनियन हैज़ बीन डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल ऑटो रिक्शा सर्विस विड्रॉज फ्रॉम रोड्स 3/2/2022 ऑनवर्ड्स टू कॉमन जनरल पब्लिक ऑफ दिस आइलैंड्स। वी रिग्रेटेड फॉर अनविनियन ड्यू टू हैरेसमेंट बाय द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अंडर RTO ट्रैफिक पुलिस। तो आज ये लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब ऑटो रिक्शा वाले जो कि तंग आ चुके हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, RTO से, STA एंड ट्रैफिक पुलिस वालों से, और आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। आज हमारे अंडमान द्वीप समूह के जितना भी ऑटो ड्राइवर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काला कानून में परेशानी होते हुए आज उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम लोग पोर्टलर में गाड़ी नहीं चलाए, ताकि ऐसा ऐसा काला कानून हमारे ऑटो ड्राइवर चालक के ऊपर में लगा जा रहा है। फर्स्ट में जो बड़ा इशू है नो पार्किंग इशू क्या है, जो बेरोजगार बेचारा अपना परिवार पालने के लिए जो गाड़ी लिया वो अगर सड़क के किनारे में खड़ा रहेगा, उनको हर तरीके से चलाएं, और लाखों रुपए के जो कीमत वाला गाड़ी लेके प्राइवेट पार्टी रोड में खड़ा करेगा उसको कोई तरफ का चलान नहीं है। लेकिन बेरोजगार अपना जो रोज रोटी के लिए चलाएगा उसको एक गलती को सारा तरफ से मार के एडमिनिस्ट्रेशन बंद है। एक पुलिस चलान करेगा 500 रुपया और जाएगा एसटी डिपार्टमेंट के अंदर, वहां से एक नोटिस आएगा उसमें 8,000 रुपया चलान प्लस गाड़ी 6 महीने के लिए सस्पेंड। मतलब सर आपका कहना है ऑल रूल्स फॉर द पुअर पीपल्स, मतलब ना सर? जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये गाना है अगर नो पार्किंग गलत है सबके लिए, हमारा देश के अंदर में कानून एक ही है, सबको एक ही कानून लागू करे, अगर चलान करेगा सबको करो, अगर नहीं तो किसी को ना करे। हमारा डिमांड यही है, हमारा एक ही डिमांड है, चलान करेगा सारा गाड़ी को चलान करो, सड़क किनारे से सारा गाड़ी को हटा दीजिए, अगर नहीं तो गरीब ऑटो ड्राइवर को भी पोर्टलर में जीने का मौका दे। सर ये लोग सिर्फ ऑटो वालों और बस वालों को ही देखते हैं, बट डिपार्टमेंट वालों को ये क्यों नहीं चलान करते? हमारे जो सबसे बड़ा दुख की बात ये है, आज तक जो अंधा कानून पोर्टलर में लागू करके रखा है परमिट के लिए जो पार्किंग पूछता है, पूरा भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं है परमिट के लिए पार्किंग पूछता वाला, लेकिन यहाँ क्या है, रोजगारी ढूंढने वाला को गवर्नमेंट जबरदस्ती बोलता है तुम वो लेके आओ, वो आदमी कहीं ना कहीं से वो लेके आकर देता है, लेकिन उसको जीने का कोई तरीका उन लोग बताते देते नहीं, सारा जगह अनएम्प्लॉयड को सुविधा बना के देता है, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयड को इतना दबाव डालता है कि भाई कोई भी काम मत करो, उसको ऐसा दिशा दिखाता है कि भाई तुम चोरी करो नहीं तो और कुछ करो, सही तरीके से जीने का उनको मौका नहीं दे रहा है, यह है सबसे बड़ा इशू। यही इशू को लेकर हम लोग आज जो शुरुआत किया और एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारा बिंदी है, हमें कोई भी ऑफिसर से लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें अपना हक के लिए लड़ाई शुरू किया है, ये लड़ाई खत्म होएगा जब तक हमारा जो डिमांड को एडमिनिस्ट्रेशन सुनने तक हम लोग इधर बैठे रहे। आइए इसी विषय में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें हैं। हमारा जो लाइसेंस के लिए जो डिमांड चल रहा है, जो थ्री व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए जो लाइसेंस रिन्यूअल करके देगा, थ्री व्हीलर के लिए लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करके दे। हम लोग जैसा लेडीज जो है, जो हम लोग घर के लिए करते हैं, अपना परिवार के लिए करते हैं, जब हम लोग जैसा इंसान के लिए अगर लाइसेंस में रिन्यूअल करके नहीं देगा, हम परिवार को कैसा चलाएंगे? जैसा कि हमारा परिवार, हम बच्चों को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए ये सब रिन्यूअल चाहिए, और हमारे लाइसेंस चलान मार देते हैं तो हम लोग 500 रुपया चलना, 500 रुपया सुबह से 5 बजे तक हम लोग 500 रुपया भी नहीं चलता। धन्यवाद।
हम लोग का अरेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पार्किंग अरेस्टमेंट। ये पीएमसी का म्यूनसिपलिटी का सामने में देखिए, सब गवर्नमेंट सर्वेंट वाला है, सब रोड पर कड़ा करके रखा है, उसका अभी तक चलान नहीं होता है। काम भी हम लोग जाके लेकर कड़ा करेंगे, पैंजर को उठा के फेंज लेने के लिए बाहर दुकान जाएंगे तो चलान होने शुरू हो जाता है, लॉक कर देते हैं। यहाँ में सिंडिकेट से स्टेट बैंक का देखिए, पुलिस में तक देखिए, सब जगह में रोड का बगल में गाड़ी खड़ा है उसको लॉक नहीं करता है। खाली हम लोग का खाली ऑटो ही दिखाई देता है, बाकी दूसरा डिपार्टमेंट को दिखाई नहीं देता, हम लोग ज़्यादा अरेस्ट का मन करता है। सर देखिए, ऑटो हमारा जो पोर्टबेर में, हम कम से कम अभी 23 इयर्स हो गया हमारा ऑटो चला था पोर्टबेर में, लेकिन आज का जो कानून आता है यहाँ पे, बहुत नया नया कानून बना रहे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे पहले हमारा ऑटो ड्राइवर के लिए जो रेट के लिए हमारा एक दो साल से लेटर देता रहता है हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट में, लेकिन आज तक रेट का लिए कुछ डिमांड हम लोग का लेटर भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग नहीं बुलाता है। लेकिन वही हिसाब से आज हमारा जो जितना भी ऑटो यूनियन है, ऑटो ड्राइवर है, सब मिल गए आज एक दिन के लिए हमारा स्ट्राइक का नहीं है, और जो हमारा सर्विस जो है विथड्रा करता है। सबसे पहले मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट करता है कि जो भी हमारा डिमांड है, 5 डिमांड लेकर आपके सामने दिया है, सारा जगह एलजी के भी लेटर दिया था, चीफ सेक्रेटरी भी दिया, सबका लेटर दिया है, जो भी डिमांड है हमारा डिमांड जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करिए, इसे पब्लिक सेवा करने के लिए हम लोग आगे बढ़िए। आप जब तक आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते, जब तक हमारा जो ऑटो सर्विस जो हिटोटा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा डिमांड जल्दी से जल्दी पूरा करिए, थैंक। तो आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या, उनके सामने क्या डिमांड रखी है। स्टॉप हैरेसमेंट बाई RTO एंड STA एंड ट्रैफिक पुलिस, फिटनेस एंड परमिट्स, फाइंस, नाइट पार्किंग चलान, रेट इंक्रीज, रोड मेंटेनेंस, रिड्यूस ऑफ स्टार्टिंग चलान। तो आइए इसी विषय में हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ये जो थ्री व्हीलर फोर व्हीलर का जो नया नया कानून लेके है ना, जो थ्री व्हीलर चलाता है वो तो फोर व्हीलर का टेस्ट नहीं दे सकता, वो तो थ्री व्हीलर में ही सीखा है, उनका फोर व्हीलर देगा तो फिर वो चलाएगा कैसा। अभी फोर व्हीलर जितना उतारेगा, हम लोग थ्री व्हीलर कहाँ चलाएंगे, फोर व्हीलर चलाने वाला गाड़ी लाइन में आ जाए तो थ्री व्हीलर का रोजी मार खा जाता। ये चीज़ के ऊपर में ध्यान देने से अच्छा है, और ये जो फिटनेस का है सब ऑनलाइन में कर दिया है, ये ऑनलाइन का सिस्टम है बहुत ख़राब है, बराबर टाइम से लिंक नहीं रहता और पैसा बांधने भी नहीं सकता, टाइम से स्लिप नहीं मिलता, पुलिस वाला चालान करते रहता घड़ी घड़ी। और यहाँ का रोड तो आपको मालूम है, हम लोग रोड टैक्स बांधता, इंश्योरेंस बांधता, रोड में तो नहीं चला सकता, रोड सारा रोड में मोटर डाल के पानी इशू कर सकता, वो तरह गड्ढा है। ये PWD के लिए हम लोग रोड टैक्स बांधता है हम लोग STL डिपार्टमेंट में, मगर ये पैसा PWD को क्यों सबमिट नहीं करता। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन आपकी डिमांड सुनेगी? नहीं सुनेगा तो हम लोग कुछ करना पड़ेगा। हम लोग अभी तो छोटा सा एक आंदोलन दिखाया है, अभी रोड में उतर के हम लोग अभी यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कितने दिन के लिए? ये अभी हम लोग जब तक हम लोग डिमांड पास नहीं हुआ तब तक हम लोग लड़ेंगे करके सोचते, हमारा भाई लोग सब साथ देंगे तो कंटिन्यू नहीं लड़ेंगे सर। हमारा मुद्दा है आज एक दिन का नहीं है सर, हमारा हमेशा का मुद्दा है ये। एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ सोचते ही नहीं, सोचता IAS ऑफिसर आके बैठ जाते, AC में बैठ के नया नया कानून बनाए जाते सर, एक गरीब आदमी भूखा मरता है। अभी STS में जो रेट बढ़ाया, देखो फिटनेस का रेट है, सारा चीज़ का रेट बढ़ा के रखा, ये रेट को हम लोग रिटर्न लेने से अच्छा था सर, हम लोगों को भी 2 रुपये इससे मिलने से तो हम लोग बांध देगा ना, हम लोगों को इनकम नहीं है। अभी कोरोना का टाइम 2 आदमी छटता है, 3 आदमी। हमारा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेशन ये कहता है कि मतलब ये ऑर्डर्स बनाते हैं वो सिर्फ हम लोगों के लिए, तो कल जैसा हमने देखा कि सारा टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है, उसके अलावा और DC सर ने जो ऑर्डर निकाला था 11 जनवरी को जो ऑर्डर निकाला था उसमें ये लिखा था कि सारा टूरिस्ट स्पॉट्स बंद है, बट कल सिर्फ 6 लोगों के लिए, 6 कुछ VIPs के लिए लाइट एंड साउंड शो चलाया गया, तो इस बारे में आप में से कौन बताएगा? सर नमस्कार, जैसा कि आपने अभी कहा था कि ये पेंडेमिक के समय जो है सारा कुछ लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के वजह से जो है कल आपने जो कहा था कि सेल्वर जेल को जो ओपन किया गया था लाइट ऑन सॉन्ग के लिए, तो मैं प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूँ कि इस पेंडेमिक के समय में ऐसा कुछ निर्णय लेना और ये स्वाभाविक नहीं है, और शायद एडमिनिस्ट्रेशन किस वजह से इसको खोला है और वो क्या करने व्यक्तिगत रूप से या 4 आदमी के लिए 5 आदमी के लिए ऐसा कुछ किया है, तो ये प्रशासन के खिलाफ में सर बहुत ही नाकामी की बात है। और ऊपर से पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए, अगर DC साहब अगर कुछ कार्रवाई कर रहा है तो हम पब्लिक के लिए, वो पूरा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड सभी के लिए आता है, लॉकडाउन है पूरे सभी के लिए, टूरिज्म अगर बंद है तो सभी के लिए बंद है। आज जैसा आप बोल रहे हैं कि कल 4-5 व्यक्तिगत रूप में जो है किया गया था, ये बहुत ही शर्मसाद है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इसके ऊपर में अगर जो भी दोषी है उनके ऊपर में सख्त से कार्रवाई किया जाए, और ताकि जो ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल का जो नियम को अगर तोड़ता है, SOP का पालन नहीं करता है, उसके ऊपर में एक्शन लिया जाए। न्यूज़ अब तक के थ्रू हम आपको ये बताना चाहेंगे
कि इन ऑटो चालकों का समर्थन के लिए यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं। मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर मिस्टर रजीजुर रहमान जी जो बीजेपी से हैं, और उसके पीछे है मिस्टर धनशेखरन जी आरजेडी से हैं, और मिस्टर मज्जू जी वो भी आरजेडी से हैं, और भी कुछ लोग हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए, और जितने भी पॉलिटिशियन हमें देख रहे हैं आप लोग इनका सपोर्ट करें और यहाँ पर आके इनका मनोबल बढ़ाएं। आइए इसी विषय में कुछ पॉलिटिकल से भी हम बात करते हैं जो इनकी समर्थन में आगे आए हैं। नमस्कार। आज 3 तारीख को यहाँ पे ऑटो स्टैंड में जितने भी पोर्ट ब्लेयर के ऑटो चालक जो है उनका तकलीफ देखते हुए उनके यूनियन लीडर ने उनका पूरे सभी ऑटो यूनियन के समर्थक से यहाँ पे स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक करने का इनका रीज़न यही है कि इनका जो है फिटनेस एंड परमिट का जो है फाइंस जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं उनको, और नाइट पार्किंग का चलान कर रहे हैं, रेट इंक्रीज इनका जो है अभी जैसे डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और इंजन ऑयल का रेट बढ़ रहा है, और इनका बहुत सारा चीज़ है जो मैकेनिकल यूज़ होता है जिसमें जो ऑटो का रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चार्जेस जो इंक्रीज़ हुआ है, तो ये अपना जो 25 रुपये जो चार्ज है इनका 25 रुपीज़, तो इसमें और 5 रुपये का इंक्रीज़ ये लोग चाहते हैं। रोड मेंटेनेंस जहाँ जहाँ रोड गड्ढा बहुत ज़्यादा रोड है जिससे कि ये 3 चक्का का जो गाड़ी है ये यानी कि बहुत ज़्यादा गड्ढा गुड्ढी रोड में जो है ये इनका मेंटेनेंस और ज़्यादा आता है इनका गाड़ी का, और रिपेयर बहुत ज़्यादा होता है तो, और पैसेंजर को भी तकलीफ़ होता है, तो उसके कारण इनका बिजनेस भी इनको नहीं मिलता, ऑटो में जाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। रोड मेंटेनेंस जो है जल्द से जल्द किया जाए। रेडियस ऑफ स्टार्टिंग चलान, जो चलान यहाँ पे जैसे 500-1000 रुपये एक ऑटो चालक का करता है जो उनका दिन भर का रोजी रोटी है, छोटा मोटा गलती हो जाता है तो उसको ऐसा भी नहीं है कि बहुत, क्योंकि कानून तो बहुत सारे चीज़ में लागू होता है मगर उसको इतने हर सेक्टर में जो है उसको इतना सख्ती से जो है नहीं उसको फाइन किया जाता है, मगर ये जो गरीब लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं और इन पे जो है इतना ज़्यादा चलान, इतना ज़्यादा इनके ऊपर आरटीओ का फ़ाइन, तो ये इनके लिए बहुत इनका रोज़ी रोटी चलाने में इनको तकलीफ़ हो रहा है। तो हमारा भी पूरा इनके साथ समर्थन है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आकर यहाँ पे बैठा हूँ और इनके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि इनका डिमांड जो है बहुत हद तक जो है जेन्यून है और इनको सपोर्ट देना चाहिए, और इनका डिमांड को जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको मानना चाहिए। ये पीएम के से मज्जू जी से बात कर दोस्तों, मैं आप तक चैनल के माध्यम से तमाम अंडमान निकोबार के प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऑटो यूनियन के लोगों के ऊपर, ऑटो चालक के ऊपर में जो अन्याय हो रहा है वो बेतुका है, क्योंकि एसी चैनल बैठ के लोग अपना कानून बना रहे मगर किसी भी ऑटो चालक यूनियन के लोगों को बुला के अपना मत रखने का प्रावधान नहीं रखता है। आज एसओपी है, एसओपी सिर्फ ऑटो चालक के रूप में होता है। राष्ट्रीय जनता दल ऑटो यूनियन और राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी हमेशा इन बातों को हमेशा उठाते आ रहे हैं, और आज जो हो रहा है इनके साथ अन्याय है। प्रशासन से मांग है कि प्रोटोकॉल किसके लिए है, कोविड आम जनता के लिए, प्रोटोकॉल किसके लिए है, गरीब मजदूरों के लिए, प्रोटोकॉल किसके लिए, आम ऑटो चालक के लिए, बट ये हायर ऑफिशियल्स के लिए नहीं है ये, क्योंकि कल का एक हादसा हुआ है कि सुनने में आया है कि हमारे ऑटो यूनियन बहुत सारे 6 आदमी के लिए, पता नहीं किसने प्रशासन के कौन चीफ सेक्रेटरी ने बात रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तब से ऑर्डर है या डिप्टी कमिश्नर करिए या आईपीएनटी करिए, 6 आदमी के लिए प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर सकते, नहीं हुआ है। वहाँ आपका टूरिज्म को बंद कर दिया है, टूरिज्म से बंद करने से किसको नुकसान हो रहा है, आम जनता को टूरिज्म से नुकसान किसको, ऑटो चालक को टूरिज्म से किसको नुकसान हो रहा है, जो जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे गाड़ी चलाते हैं इससे तमाम होटल मैनेजमेंट को सबको नुकसान है, मगर 6 लोगों के लिए क्या ऐसा कोई प्रावधान था कि उनके लिए सेलुलर जेल का मतलब आपका ये खोल के दे दिया गया? तो मैं मांग करता हूँ कि जो ऑफिसर है जो भी इनके पीछे उनका पर FIR होना चाहिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाते उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यह हम आम जनता के तरफ से RJD और बाकी साथियों के तरफ से मांग है। धन्यवाद। मुद्दा इनका मांग पूरा करना, और दूसरा बात है संडे को जो यूनिफॉर्म है ना ये कलर ड्रेस में रहना, संडे का जो यूनिफॉर्म है ये कलर ड्रेस में रहना, अंडमान जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो गुंडा राज है ये बंद करना, ये गुंडा राज बिल्कुल चलने देना नहीं। ट्रांसपोर्ट के अंदर में अगर देखा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई बस में यूनिफॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के अंदर में कोई बस में यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंडमान में खाली ऑटो वाले के लिए हर कानून निकलता था, जितना भी कानून निकलता है ऑटो वाले के लिए, कानून अगर निकलता तो व्हाइट बोर्ड गाड़ी कार के भी निकलना, सबके लिए कानून रहना तो हम मानेगा, लेकिन एक
एक आदमी को कानून निकालने से नहीं होता। हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग फिटनेस का फाइन के लिए एक दिन के लिए 50 रुपया फाइन, एक दिन के लिए 50 रुपया फाइन, एक एक गाड़ी के लिए 70,000-80,000 उसका साथ और एक 20,000-30,000 डालने से एक नया गाड़ी ले सकता, उतना फाइन आरटीओ वाला। हम लोग ऐसा हरेसमेंट करते हैं कि हम लोग गाड़ी मत चलाओ, ऐसे इनडायरेक्टली बोलता है कि आप लोग गाड़ी मत चलाओ, ऐसा हरेसमेंट करता है कि गाड़ी लाइन ही छोड़ देना। हम लोग एक लोकल एम्प्लॉयड, हम लोग पढ़ लिख कर नौकरी नहीं है कुछ नहीं है करके हम लोग ऑटो चला रहा है, लेकिन हम लोग कई कारण से डिपार्टमेंट से कोई तरह हम लोग वैकेंसी का पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग मजबूर में ऑटो चलाता है, फिर भी वो भी हम लोग चला नहीं देते। इस सब तरफ से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा टॉर्चर करता है, हम लोग से गाड़ी नहीं चला सकता, इसलिए हम लोग स्ट्राइक में बोलने से हम लोग सर्विस विड्रॉ हम लोग कर रहे हैं। सर आप, हम आपको ये कहना चाहते हैं न्यू साहब तक की तरफ से हमारा पूरा समर्थन है आपके साथ। जी थैंक यू। ऑटो ड्राइवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मेरा हम लोग डिमांड पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारा मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। सिविल डिपार्टमेंट में हमारा मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नाइट चालान बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाइट चालान बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्यूरोक्रेसी डाउन 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 डाउन। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन हाय 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 हाय। एसिस्टेंट डायरेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।